हेलो बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने हैं एक नए क्राफ्ट के साथ में। यानी कि जो हमारा एक ट्रैश है, जो हमारा वेस्टेज होती है, हम जो घरों से अपने जो चीजें थ्रो कर देते हैं गार्बेज में, उसको कूड़े में फेंक देते हैं, उससे यानी ट्रैश से हम कैसे एक ट्रेजर बना सकते हैं, एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो कि हमारे बहुत काम की हो, हम यूटिलाइज कर सकें उसे, ताकि जो हमारा जो वेस्ट है, हमारा जो ट्रैश है, उसको हम लैंडफिल में जाने से रोकें और पॉल्यूशन कम करने में मदद करें। आप सभी को पता है कि प्लास्टिक एक बहुत अच्छी चीज है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक्चुअली में इस वर्ल्ड को चेंज कर सकता था। इसके अंदर इतनी सारी खासियत है, इतना सारा इसका यूटिलाइजेशन है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा प्रयोग, और ऐसा प्रयोग जिसकी वजह से उसकी जो अच्छाइयां थी वो बुराइयों में तब्दील हो गई। यानी उसका हमने इतना ज्यादा प्रयोग किया कि वो बेकार हो गया। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखें कि किसी भी चीज का एक्सेस यानी अधिकता, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का प्रयोग जो है वो नुकसानदेह होता है। नेचर के साथ भी ऐसा ही है और नेचर की किसी भी चीजों के साथ में ऐसा ही होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी चीज का प्रयोग करें तो उतना ही प्रयोग करें जितना बहुत आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक हम चीजों का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक के साथ भी यही है। तो बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम के अंदर एक हमें ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा हमें एक ऐसा क्राफ्ट चाहिए जो कि उसी से जुड़ा हुआ हो। तो आज हम आपको एक ऐसा क्राफ्ट बना के दिखाएंगे। आपको मालूम है जब हम बारिश में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? छतरी, हाँ, अम्ब्रेला। हम छाता लेके निकलते हैं और जब किसी के से अगर हम कहीं और जाके क्लास में ही अगर हम बात करें कि अगर आप क्लास से, घर से अपना आप अगर क्लास में आ रहे हैं और छाते का आपने प्रयोग किया है, जब आप क्लास में आते हैं अपनी छाते को बंद करते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी गिरता है क्योंकि बारिश उसके ऊपर पड़ी है और वो उसकी वजह से आपकी क्लास में या आपकी क्लास के बाहर डोर के ऊपर कीचड़ हो सकता है, पानी फैल सकता है, आप फिसल सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसा क्राफ्ट आज हम बनाएंगे जो कि वेस्ट बॉटल्स से बन रहा है और ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि जो छाते में से जो पानी टपकता है बंद करने के बाद, उसको आज हम उसको रोकेंगे, उसको चेक करेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा जो क्राफ्ट है इसमें हम बॉटल्स लेंगे अलग अलग साइजेस के। इसमें एक बोतल हमने ली है जो कि थोड़ी बड़ी है, ये करीब इसमें और बड़ी बोतल जो 2 लीटर या 2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती है आप उसको ले सकते हैं, आप उस बोतल को लीजिए। और एक बोतल जो कि इससे थोड़ी सी छोटी हो वो बोतल आप लें, लाइक दिस, और एक बोतल जो इससे भी और ज्यादा छोटी हो, यानी कि 3 अलग अलग साइजेस की, बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी, ये बॉटल्स आपने 3 लेनी है। और इनको मैं बताता हूं कि आपने कहां से काटना है। जो सबसे बड़ी बॉटल है उसको आपने जो है ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन, इतना इतना आपने इसको काट देना है। ऐसा मैंने एक बोतल काट के रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये एक्चुअली 2.5 लीटर की बोतल एक थी जिसको हमने काट के रखा हुआ है। तो ये हमने एक हिस्सा काट लिया, यानी कि ये ऊपर का हिस्सा था, इसको हमने यहां से काट दिया, और नीचे वाला ये पोर्शन था, इतना हमने इसको काट दिया। नाउ द सेकेंड बोतल जो हमारी ये वाली है, इसको भी हमने ऐसा करना है, ये इसको इस तरीके से हमने कट कर देना है, राइट? तो ये हमारी बोतल एक और कट गई, इसको हमने 2 तरीके से, जो ऊपर का पोर्शन है इसको भी काट दिया है
और जो नीचे का पोर्शन है उसको भी काट दिया है। एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप इसको काट रहे हैं तो इसको ध्यान दे दीजिए कि ये अगर आप इस बोतल के अंदर इसको डालेंगे तो ये इसमें फंसना चाहिए, यानी कि इसको इसमें इस तरीके से ये रुक जाए, इसकी मोटाई वहां से इसको काटें कि यहां पे ये रुक जाए इस तरीके से। देख रहे हैं इस बोतल को हमने इस तरीके से काटा है, ये पहला हमने लिया बड़ी वाली बोतल जो थी। अब ये छोटी बोतल को हम जब काटेंगे तो तब इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इस बोतल को हम वहां से कट करें जहां पे ये अटक जाती है, यहां जाके सी ये अटक रही है, तब हमने इसको यहां से काट दिया, यहां से हमने इसको फिर काट दिया। और इसके बाद जो अब ये दूसरा पीस है जो कि इसके अंदर चला गया, अब हमें इस बोतल को इतना काटना है जो कि इसके अंदर जाके भी यहां पे अटक जाए। तो हमने क्या किया, और इसका केवल नीचे का हिस्सा आपने काटना है, इसका ऊपर का हिस्सा एज इट इज रहने देंगे, केवल नीचे का हिस्से को हम काटेंगे। तो नाउ हमारे पास तीन बॉटल्स हैं, दो हिस्से हैं जिनके हमने ऊपर का और नीचे दोनों सिरे काट दिए, यानी कि उनको सिलेंडर पूरा का पूरा इनका काट दिया है, और जो सबसे छोटी बॉटल जो थी इसका ऊपर का हिस्सा हमने नहीं काटा, केवल नीचे के पोर्शन को हमने काटा है। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये बड़ी बॉटल लेंगे, इस बॉटल के अंदर ये हमने जो चेक करके डाला था कि ये अटक रहा है या नहीं अटक रहा है, इसको हम यहां पे अटकाएं, और ये जो बॉटल है सबसे छोटी वाली इसको भी हम इसके अंदर डालते हुए और बिल्कुल लास्ट तक आप लेके जाएंगे इसको, और फिर आप देखेंगे कि ये बॉटल यहां पे अटक गई। ओके तो ये आप देखें ये पूरा पोर्शन इस तरीके से ये आपका एक बन गया, जो कि ये बॉटल्स एक दूसरे के अंदर फिट है। अब इसको आप इस तरीके से रख लीजिए, अपने किसी भी बैग में या कहीं पे भी आप रख सकते हैं इसको। होता यह है कि अब इसमें जब आप बाहर से आएंगे और ये इस तरीके से कि छतरी एक छाता आपके पास होगा, इस छाते को आपने इसके अंदर डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से छतरी इसके अंदर जब आ जाएगी, ये पूरी छतरी इसके अंदर फिट हो गई है, इस पूरा इसका एक कवर टाइप का बन गया है। तो ये कवर के अंदर जब आप रखेंगे तो इस छतरी में जितना भी पानी होगा वो अंदर ही अंदर रहेगा, और यहां नीचे यहां पे ये इकट्ठा हो जाएगा। बाद में जब आप क्लास से बाहर आए या अपनी इस जगह से बाहर आए तो आप इस पानी को निकाल दीजिए, और ये बिल्कुल भी अब आपके कीचड़ नहीं होगा। सो व्हाट हैव वी डन, हमने तीन प्लास्टिक की बॉटल्स को कचरे में जाने से बचा लिया, और अपनी जरूरत के लिए एक बहुत अच्छा क्राफ्ट हमने तैयार भी कर लिया। राइट तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, बारिश के मौसम में कम से कम तीन बॉटल्स आप सेव कर रहे हैं, इसको जो लैंडफिल है उसमें जाने से रोक रहे हैं, डस्टबिन में जाने से रोक रहे हैं, कचरे में जाने से रोक रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी एक बहुत अच्छा यूटिलिटी का आप एक अपना एक क्राफ्ट भी बना लेते हैं। तो इसको बनाइए एंड वी विल टॉक लेटर। थैंक यू।